आप लोग का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सीधे रुख करेंगे बुरहानपुर का, यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम है। सुमित्रा देवी जी, बहन गायत्री पाटीदार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता आदरणीय रामदास तिवारी जी, सुश्री बज्जू दादू जी हमारी बेटी, वरिष्ठ नेता हमारे पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल जी, अधिकारी समिति के सदस्य हैं, श्री संजय यादव जी, निवृत्तमान महापौर जिन्होंने शहर के विकास में नंदू भैया और अर्चना दीदी के साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ी, अनिल भोसले जी, पूर्व महापौर, हमारे वरिष्ठ नेता बहुत सरल और मधुर हैं, आदरणीय अतुल पटेल जी, पूर्व महापौर श्रीमती माधुरी पटेल जी, हमारे निगम के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता युवा मोर्चे के समय से मेरे साथ भाई मनोज पैरवाला जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय विजय गुप्ता जी, जनपद के अध्यक्ष बुरहानपुर के आदरणीय किशोर पाटिल जी, खटनार की जनपद अध्यक्ष बहन निर्मला जावरकर जी, नेपानगर के नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान जी, हमारे बेटा प्रिय हर्षवर्धन चौहान जी मंच पर विराजमान और नीचे उपस्थित सभी आदरणीय वरिष्ठगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, जन अभियान परिषद के हमारे सभी साथीगण और प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और मैं बधाई देना चाहता हूं मंच पर बैठी हुई टीम को। 2018 में हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा के केंद्र और बुरहानपुर को प्यार करने वाले, वैसे तो भारत माता के ऐसे लाल थे, करोड़ों करोड़ों के हृदय सम्राट और भारत के मुकुट मणि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने जनता के दिलों पर राज किया। जब अस्थि कलश आया, नंदू भैया भी उस समय थे, श्रद्धेय नंदू भैया, अर्चना दीदी, मनोज जी और हमारे सभी साथियों ने मिलकर अस्थि कलश की अगवानी करके श्रद्धा सहित रखा। और मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की संकल्पक टीम को, नंदू भैया को, अर्चना दीदी को, मनोज जी को, अनिल जी को, सभी लोगों जिनने मिलकर यह तय किया कि जैसी समाधि अटल जी की दिल्ली में बनी, स्वयं वैसी की वैसी समाधि बुरहानपुर में भी बनाई जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी समाधि और कहीं अभी बनी हो, दिल्ली के बाद बुरहानपुर ये अद्भुत व्यक्तित्व अटल जी का, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, जीत नया गाता हूं, ये अटल जी थे। जिंदा दिल इंसान, चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहट खेलती थी, साधारण से साधारण कार्यकर्ता को स्नेह पर प्यार देने में वो आनंदित होते थे। अब भारत की जनता कैसे हृदय सम्राट थे कि पार्लियामेंट में भी, संसद में मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ रहने का, अच्छा उनकी सीट पर लड़ने का भी मौका मिला। पहले वो विदिशा से लड़े, फिर मैं विदिशा से, उनके बाद सीट खाली की तो लड़ा, और उसके बाद जब भी वो दिल्ली में मुझे देखते थे
तो मुझे शिवराज के नाम से नहीं बुलाते, आओ विदिशापति। उनका बात करने का तरीका अनोखा था, हर बात को फक्कड़पन और मस्ती के तरीके से कहना। अब कोई उनसे दूर नहीं था, जब संसद में भाषण होते थे कई प्रसंग ऐसे आए, अटल जी तो बहुत अच्छे हैं, मैंने कभी किसी विपक्षी नेता को भी अटल जी को खराब कहते हुए नहीं सुना, कांग्रेस हो वामपंथी हो। 1996 में प्रधानमंत्री बने 13 दिन के लिए, तब अविश्वास प्रस्ताव, तब विश्वास मत पर चर्चा थी, हर एक पार्टी का नेता बोलता था अटल जी तो बड़े अच्छे, लेकिन अटल जी ने बीच में खड़े होकर कहा अगर अटल जी इतने अच्छे तो या अच्छे अटल जी का क्या करने वाले। हर एक उनका आदर करता, और जब ऐसे मौके आए कि देश का प्रतिनिधित्व अगर दुनिया में प्रभावशाली ढंग से करने की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस की सरकार की रही और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि भारत का नेतृत्व और कोई नहीं करेगा, करेंगे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। वैश्विक मंच पर वो देश के प्रतिनिधित्व करने वाले विरोधी दल में भी होते हुए सबसे बड़ी शक्ति थी, गुस्सा उनकी आंखों में कभी देखा नहीं, मानवीय गुणों से वो परिपूर्ण थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भोपाल में, मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था, मेरी ड्यूटी लगी कि अटल जी को तुम चाय नाश्ता कराओगे। अब दोपहर के भोजन के बाद 3:30 बजे बैठक शुरू होती थी, मुझ पर जिम्मेदारी थी अटल जी के चाय नाश्ते की, तो मैंने कहा भैया बड़े नेता हैं तो फल खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, सूखे मेवे खाएंगे, तो मैं ले गया भांति भांति के फल, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, और मैंने ले जाकर रख दी। अटल जी ने लेकर, क्या है भाई तुम्हें, क्या सेब है, संतरा है, केले हैं, काजू किशमिश है, क्या घास फूस ले आए, अरे कचौड़ी लाते, समोसे लाते, फाफड़े लाते, पकौड़े लाते, ये ले आए। और उसने कहा ये फल फल धरो, लाओ कचौड़ी समोसे लाओ। जब वो विदेश मंत्री थे तो उनको एक बात का मलाल था कि मैं पराठे वाली गली में दिल्ली में जाकर पराठा नहीं खा सकता, लोग पहचान जाते कि अटल जी आ गए। एक सहज आदमी जैसा होता है, वैसे मान जी गुण थे उनके। जब मैं राष्ट्रीय महामंत्री बना तो अटल जी के घुटनों में थोड़ी तकलीफ होती थी, तो बीच में जब ब्रेक होता था बैठक का तो वो जाते नहीं थे दूर चाय काफी पीने, तो मंच पे ही उनके लिए ले जाते थे। अब सब लोग चाय काफी पीने गए, मैंने पूछा भाई साहब क्या लाऊं, चाय लेंगे कि काफी लेंगे, उन्होंने कहा चाय भी चलेगी काफी भी चलेगी और कुछ नहीं हुआ तो पानी भी चलेगा। अब आप देखिए कोई और नेता होता तो धीर गंभीर मुस्कुराने में प्राण निकल जाते हैं कई बार नेता के कि मुस्कुराते हुए, मैं मंचपालों की बात नहीं करता लेकिन हर बात को कितनी मस्ती में कहना, ये उनका अपना अनूठा तरीका था। और सरस्वती तो उनकी जवान पर विराज की थी, जिम्हा पे उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती उनकी जिम्हा पर विराज की थी,
कीर्ति और प्रतिष्ठा उनकी हार की उतारती थी। एक चुनाव हार गए 1984, इंदिरा जी का स्वर्गवास हुआ था, लहर अलग थी। भोपाल में एक सभा में भाषण देते हुए कहा कि आजकल मैं भी बेरोजगार हो गया, लेकिन फिर बोले क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। ये मस्ती थी, ज्ञान के तो भंडार थे। एक ऐसे नेता जो जब बोलते थे तो पक्ष वालों से ज्यादा सुनने विपक्ष वाले आते। बुरहानपुर में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं होगा जो अटल जी को सुनने नहीं आए, और समय की सभाओं का मामला भी अलग था। मूंगफली वाला मूंगफली बेच रहा है, मूंगफली खाई जा रही, सभाएं सुनी जा रही है, लोग उमड़ पड़ते। अटल जी कहते थे जितने लोग मेरी सभा में आते हैं उतने अगर वोट दे दे तो। अब पार्टी को वोट देना नहीं देना, लेकिन अटल जी को तो सुनना है। हर दिल अजीज नेता, भारत को बहुत ऊंचाइयों को पहुंचाया। एक तरफ ऐसे नरम दिल और दूसरी तरफ जब पोखरण का परमाणु विस्फोट करना था, अमेरिका और विकसित देशों ने कहा था कोई नहीं कर सकता, हम प्रतिबंध लगा देंगे। अमेरिका के उपग्रह घूमते थे, कोई परमाणु कार्यक्रम तो नहीं चला रहा। सीआईए नजर रखती थी, सीआईए देखते रह गई, उपग्रह घूमते रह गए और पोखरण में परमाणु विस्फोट अटल जी ने करवा के भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया। अमेरिका गर्जा के दोबारा मत करता ना, नहीं तो आपको ध्यान होगा फिर दूसरा परमाणु विस्फोट कर दिया। देश के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। कारगिल में अगर पाक घुसा तो सबक सिखाने वाले थे अटल जी। जो सड़कों का जाल चौतरफा देख रहे हैं, अटल जी के पहले इतनी सरकार आई ग्रामीण सड़क की कल्पना नहीं की थी। पहली बार गांव में पक्की सड़कों का जाल अगर बिछा तो उसका श्रेय जाता है श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और नहीं तो बिट्टामुरम की सड़क के लिए तरह जाते थे। हम सांसद बने तो 91 में बने, उस समय लोग आते थे भैया वो मुरम डलवा दो, तो प्राण निकल जाते थे मुरम के पैसे लाए कहां से। गांव पक्की सड़क का कोई सोच ही नहीं सकता, चारों तरफ हाईवे से जोड़ना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत को अटल जी की विजनरी लीडर थी, उन्हीं के कामों को आज मोदी जी आगे बढ़ा रहे। जो न्यू अटल जी ने रखी मोदी जी उस पर भव्य महल बना रहे। आज अटल जी के चरणों में मैं सोचा था थोड़ा बोलूंगा, लेकिन अटल जी की याद आती तो बोलते ही चले जाते। समय लंबा बोलूं इसकी इजाजत नहीं दे रहा। मेरा भोपाल में भी कार्यक्रम है, 3:15 बजे मुझे बुरहानपुर छोड़ना था, लेकिन क्या है बुरहानपुर भी छूटते ही नहीं है। क्या रहने तो जी करता है, दिल है कि मानता नहीं और नहीं। ये बुरहानपुर है, मुझे फिर जल्दी आएंगे। आज तो अटल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन, नंदू भैया की पवित्र स्मृति भी दिल में समाते हुए मैं आप सब लोगों ने अटल जी की स्मृति में समाधि स्थल बनाया,
मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जल्दी ग्वालियर में भी भव्य स्मारक अटल जी का बनाया जाएगा जहां खेले पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए योगेश्वर पाटिल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आभार प्रदर्शित करें। लो चार्जर निकाल लो अपना। श्री योगेश्वर पाटिल जी चार्जर पे भीड़ भाड़ ना करें, पहले अतिथियों को निकल जाने दें। प्रथम पूर्ति स्थल के इस लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला मामा सब अंधकार हर लेता है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारी पूर्व मंत्री आदरणीय अर्चना दीदी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री प्रेम सिंह पटेल जी, विधायक सुमित्रा कालदेकर जी, हमारे युवा नेता भाई हर्षवर्धन सिंह चौहान जी और उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय हमारे मनोज भाई लल्वे जी, उपस्थित सामान्य मंच, आपने हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मैं रामपुर जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से और जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।